हज की इब्तिदा 8 जिलहज से होगी। नमाज फजर के बाद गुसल करें या वुजू करें। गुसल करना अफजल है। इहराम बांध लें और इशराक के बाद 2 रकत नमाज अदा करें। सलाम फेरते ही मर्द हजरात सर से कपड़ा या टोपी हटा लें। हज की नियत इस तरह करें, या अल्लाह मैं हज की नियत करता हूँ, आसान फरमा, कबूल फरमा। मर्द ऊंची आवाज से और ख्वातीन आहिस्ता आवाज से तलबिया पढ़ें। अब आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो चुकी हैं। एहराम की हालत में तलबिया पढ़ते हुए मीना पहुंचना है। आज का दिन मीना में गुजारना है। जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें मीना में अदा करें। जिक्र, अजकार और दुआ की कसरत से अपना वक्त कीमती बनाएं। लोगों के साथ खुश अखलाकी के साथ रहें, खिदमत के साथ वक्त गुजारें, कसरत से तलबिया पढ़ें, दुआओं का खूब एहतमाम करें, कुरान पाक की तलावत करें, रात मीना में क़याम करें। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहज। आप सुबह इशराक के बाद अरफात की तरफ सफर शुरू करेंगे। अरफात में पहुंचकर जवाल के बाद जोहर और असर की नमाज अगर इमाम के साथ मस्जिद निमरा में पढ़ी तो इकट्ठी अदा करेंगे। अगर अपने खेमों में हैं तो जोहर अपने वक्त में, असर अपने वक्त में अदा करेंगे और दरमियान में आपने जवाल के बाद नमाज की अदायगी के बाद दुआ मांगनी है। ये है वकूफ अरफा, हज का दूसरा फर्ज। 9 ज़िलहज को यही अमल होगा। मगरिब तक अरफात में क़याम करें। मगरिब के बाद, मगरिब से पहले नहीं आना, मगरिब के बाद आप मुजदलफा की तरफ आ जाएंगे। मुजदलफा में इशा के वक्त मगरिब और इशा की नमाज एक अजान और एक इकामत के साथ अदा करनी है। इसके बाद आप 70 कंकरियां इकट्ठी करके अपने पास रखें। अब आपने रात वहां क़याम करना है। 10 ज़िलहज, हज का तीसरा दिन और आप इस वक्त मुजदलफा के मैदान में हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद वकूफ मुजदलफा यानी मुजदलफा के मैदान में खड़े होकर दुआ मांगना, ये हज का पहला वाजिब है। इसके बाद आप जब सूरज थोड़ा तुलू हो जाए तो रमी के लिए मीना की तरफ चलेंगे। याद रख लें, 10 ज़िलहज, आज आपने 5 वाजिब पूरे करने हैं, एक फर्ज की आखिरी अदायगी करनी। पहला वाजिब वकूफ मुजदलफा अदा हो गया, दूसरे वाजिब की तरफ आप जा रहे हैं, शैतान को पत्थर मारने। मीना में आज सिर्फ बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं। इसके बाद आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा करें, ये तीसरा वाजिब पूरा हो गया। इसके बाद आप अपने सर के बाल मुड़वा लें, ये चौथा वाजिब पूरा हो गया। अब आप एहराम खोल सकते हैं और आम लिबास पहन सकते हैं। इसके बाद आप तवाफ़े ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्मा बैतुल्ला की तरफ सफर शुरू करें। बैतुल्ला पहुंचकर तवाफ करें, ये आपका तवाफ़े ज़ियारत है, हज का तीसरा फर्ज। हज के तीनों फर्ज मुकम्मल हो गए। इसके बाद आपने सही करनी है, सही हज का पांचवा वाजिब, ये भी पूरा हो गया। अब आप वापस रात को मीना में आ जाएं, मक्का मुकर्मा में क़याम ना करें। 11 ज़िलहज, हज का चौथा दिन, मीना में जवाल के बाद, बेहतर यह है कि असर के बाद तीनों जमरात की तरफ जाना है। पहले छोटे जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं और दुआ करनी है। फिर दरमियाने जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं और दुआ करनी है। फिर बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं। अब दुआ नहीं करनी और वापस अपने खेमे आ जाना है। रात मीना में क़याम करें, दुआओं में मशगूल रहें। हज का पांचवा दिन, 12 ज़िलहज, मीना में जवाल के बाद तीनों जमरात की तरफ जाना है। पहले छोटे जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं और दुआ करनी है। फिर दरमियाने जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं और दुआ करनी है। फिर बड़े जमरा को 7 कंकरियां मारनी हैं और दुआ नहीं करनी। अब आपके पास इख्तियार है, अगर आप रात मीना में क़याम करना चाहें तो 13 की रमी आपके जिम्मे होगी। अगर आप रात क़याम नहीं करते, आप वापस मक्का मुकर्मा अपनी बिल्डिंग में आ सकते हैं। बेहतर यह है कि अपने खेमे में आएं और 13 ज़िलहज की रमी जवाल के बाद तीनों जमरात को पत्थर मारने के बाद मक्का मुकर्मा वापस आ जाएं। अब सिर्फ एक वाजिब रह गया, तवाफ़े विदा। विदा यानी रुख्सत होने वाला तवाफ, ये हज का छठा वाजिब है। आपके सारे मनासिक पूरे हो गए, 3 फर्ज आपने पूरे किए, 6 वाजिब आपने पूरे किए, आपका हज मुकम्मल हो गया।